प्रणाम कुछ आप लोग, और मैं भी ठीक हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मैं आज दिखाऊंगी आपको जूनियर स्कूल, जहाँ मैंने 6, 7 और 8वीं तक की पढ़ाई की है। तो यहाँ पर ये जूनियर स्कूल है और यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में थोड़ा मुझे टाइम नहीं है, मैंने कहीं जाना भी है, तो वहाँ की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं जूनियर स्कूल की वीडियो दिखाऊंगी। और ये देखो बीचों बीच में ये पंचायती भवन है हमारे गांव का, और ये आम का बागवान है यहाँ पे। यहाँ का नाम भंडारा आपने कई वीडियो में सुना होगा मेरे मुँह से। तो आओ मैं दिखाती आपको हमारी स्कूल है। हमारी स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिवाई विकास खंड पोखरी जनपद चमोली उत्तराखंड। तो ये है कक्षा 6, यहाँ से शुरू होता है। ये है कक्षा 6, दो दरवाजे हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं और एक यहाँ से भी जा सकते हैं। ये क्लास 6 है और ये 7th है, कक्षा 6। ये कक्षा 7 और यहाँ पर देखो सरस्वती माता की फोटो लगा रखी है, बना रखी है, कितनी सुंदर बना रखी है। तो प्रत्येक में दो दरवाजे हैं, मतलब एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। ये कक्षा 7 है, ये कक्षा 8 है। तो यहाँ से भी ये दो दरवाजे हैं और ये एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा ये है। ये कक्षा 8 है और देखो कितना सुंदर सुंदर चित्र बना रखा है। राजा पक्षी मोनाल की फोटो बना रखी है, चित्र बना रखा है। राजा वृक्ष बुरांस, यहाँ पे राजा पशु कस्तूरी मृग की भी फोटो बना रखी है। कितनी सुंदर कलाकारी से बना रखी है, पूरे दीवार पे बहुत सुंदर कलाकारी कर रखी है। तो ये क्लास 8 खत्म हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे प्रशासनिक भवन है पर, और यहीं पर कार्यालय प्रधानाध्यापक का रूम है। तो इस स्कूल का निर्माण 1994 में हुआ था। और यहाँ पे झंडा रोहण होता है और इस फील्ड में हमारी प्रार्थना होती थी। यहाँ पे सुबह सुबह की जो प्रार्थना होती है होती थी, तो यहाँ पे हमारी प्रार्थना होती थी। कहीं यादें और जुड़ी है हमारे इस स्कूल से। तो ये है पूरा स्कूल यहाँ से, तो मतलब पहले भी ऐसी था, अभी भी ऐसी है, बस इस पे पहले कलाकारी नहीं थी। तो इस समय मतलब बहुत पहले से ही यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी है। हमारे टाइम पे ऐसी कलाकारी नहीं थी, मतलब पूरा येलो कलर का था और प्लेन दीवार थी। तो अब बहुत अच्छा और सुंदर तरीके से सजा रखा है पूरा स्कूल। तो यहाँ पर हमारी ठंडियों में यहाँ पर हमारी क्लास चलती थी, मतलब यहाँ आके मुझे अपने बचपन की बहुत यादें ताज़ी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी क्लास चलती थी, यहाँ पे 6, 7, 8वीं की क्लास, मतलब अपने अपने ग्रुप में बैठते थे और यहाँ पे क्लास चलती थी। बहुत शरारतें नटखट होती थी यहाँ पे, मतलब स्कूल में आके तो बहुत यादें ताज़ी हो गई है मुझे भी। मतलब मैं जब पहले आई मैं चुपचाप रही खड़ी थी, मुझे भी मतलब यहाँ पे देख के बहुत कुछ याद आया, मतलब अपनी बचपन याद आया और आँखें भी नम हो गई थी थोड़ा, कि मतलब क्या होता यार बचपन, ऐसा लगता फिर बचपन में लौट चलें, पर हो नहीं सकता, क्या करें, सिर्फ यादें ही ताज़ी हो जाती है बस। यहाँ पे हमारी लड़ाई होती थी, हड नटखट होता था, हंसी मजाक होते थे, बहुत सारे कार्यक्रम हुए यहाँ पे। और मतलब ऐसे सीन को याद करके मैं सच में भावुक सी हो गई हूँ, क्या होता है यार बचपन। तो स्कूल के इस कोने पर भी हमारी क्लास चलती थी, ठंडियों में धूप में बैठते थे। तो हम यहाँ पर चटाइयों में बैठते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे ब्लैक बोर्ड लगता था और हम यहाँ पे चटाई में पढ़ाई करते थे। और यहाँ रास्ते में अगर पता क्या होता था, कभी कभी जैसे क्लास में सर खड़ा करते थे तो हमें पूछते थे, और खड़ा करने पे अगर यहाँ से कोई जाता था ना, कोई ऊपर घास के लिए जाता था, कोई कुछ, तो हमें शर्म सी आती थी कि हमें खड़ा कर दिया, या मतलब जैसे कोई खड़ा हो रखा था और हम यहाँ से कोई यहाँ से जाता था तो हम उसको देख के हँसते थे कि ये देख कि तेरी तेताई जानी, तेरी दाज जानी, तो खड़ो हुई। तो मतलब हर चीज़ एक याद सी उन्ना, तो कम यालो गुदियार कसम से। तो ये देखो ये घर है, ये घर के बगल में ये हल्का सा छत दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये हमारा घर है और ये जूनियर स्कूल है। ये देखो कितना नज़दीक है हमारे घर से, ये जूनियर स्कूल है और यहीं सामने पर प्राइमरी स्कूल है और यहीं पर आंगनबाड़ी भी है। अब पहले मतलब पहले तो नीचे थी आंगनबाड़ी, हमारे टाइम पर भी नहीं थी, पर मतलब कुछ साल पहले यहाँ नीचे थी आंगनबाड़ी, अब यहाँ पे आ गई है आंगनबाड़ी। तो सारी स्कूल यहीं पर है नज़दीक में, और गाँव ये है यहाँ पर, तो गाँव के बीचों बीच है, गांव के सबसे ऊपर है स्कूलें। और ये है सड़क, अब यहाँ पे आ रखी है सड़क।
तो मुझे कमेंट करना आपको हमारी स्कूल कैसी लगी, और मेरी फ्रेंडों जिसने यहाँ पे पढ़ाई की प्लीज़ कमेंट करें और अपनी यादें ताज़ा करें। सच में मैं तो यहाँ पे आके एक ऐसा लग रहा कि क्या बताऊँ, कि क्या लग रहा मुझे यहाँ पे आके बता नहीं सकती। और यहाँ पे हमारी क्यारियाँ रहती थी, तो मतलब हमारे टाइम पे क्या होता था ना, बांटे जाते थे, ये 6 क्लास की क्यारी है, अरे ये 7वीं क्लास की क्यारी है, ये 8वीं क्लास की क्यारी है। तो हमें उस प्रकार से क्यारियाँ, मतलब जब कभी जैसे कोई पीरियड खाली रहता था या किसी टाइम मतलब सर नहीं आते थे तो उस समय खाली रहती थी, तो उस समय हम अपने अपने क्यारियों में वो करते थे, काम करते थे। जैसे कभी तो एक हम यहाँ पर अपने अपने क्यारियों को सजाते थे और लास्ट में बोलते थे कि यार किसकी क्यारी ज़्यादा सजी है, तो उस प्रकार से हमें भी खुशी होती थी। और यहाँ पर शांत होकर सुनिए चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़, कितनी सुंदर मधुर लग रही है। बचपन फिर लौट आ जा, काश ऐसा हो सकता बचपन फिर लौट आ जाता। विद्यालय को सत सत प्रणाम।